नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। और देखिए, रिसेंटली रशिया ने इंडिया को एक ऑफर दिया है और इस ऑफर के अंडर रशिया ने कहा है कि वो इंडिया के साथ मिलकर इंडिया के लिए उसका मेन बैटल टैंक को डेवलप करना चाहता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इस चीज के लिए रशिया इंडिया के साथ T-14 अर्माटा टैंक टेक्नोलॉजी भी शेयर करने के लिए तैयार है। देखिये, यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि रशिया की जो अर्माटा टैंक टेक्नोलॉजी है, जिससे फिलहाल रशिया यूज कर रहा है अपने T-14 टैंक्स में, वो इस वक्त वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है टैंक्स को लेकर और आर्मर्ड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को लेकर। और अब रशिया चाहता है कि इंडिया का जो आने वाला मेन बैटल टैंक है वो रशिया की T-14 अर्माटा टैंक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो। और देखिये, ये चीज क्लियर की है रशियन फेडरल सर्विस ऑफ मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन के डिप्टी डायरेक्टर ने। उनका कहना है कि रशियन साइड इज प्लानिंग टू पार्टिसिपेट इन जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मेन बैटल टैंक विद द यूज ऑफ मॉडर्न रशियन टेक्नोलॉजी। देखिए, शायद आप लोग को मालूम ना हो, लेकिन बहुत ही जल्दी इंडिया एक इंटरनेशनल टेंडर निकालने वाला है अपने इस नए टैंक के लिए, और ये काफी बड़ा टेंडर होने वाला है और रशिया चाहता है कि ये टेंडर उसके पास जाए। हालांकि देखिए, इसमें एक एडवांटेज इंडिया का भी होगा। अगर इंडिया रशिया के साथ इस मेन बैटल टैंक को डेवलप करेगा तो ना सिर्फ रशिया उसे अर्माटा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, बल्कि इन टैंक्स का प्रोडक्शन भी इंडिया में ही होगा। और देखिए, काफी अच्छी बात है क्योंकि इससे इन टैंक्स की कॉस्ट भी सेव होगी और साथ ही इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है रशिया की और उस पर US के सैंक्शंस की, उसको देखते हुए ये टेंडर रशिया को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अभी देखने वाली बात है। देखिए, मेन बैटल टैंक, जिसे कभी कभी यूनिवर्सल टैंक भी कहा जाता है, एक ऐसा टैंक होता है दैट फिल्स द रोल ऑफ आर्मर प्रोटेक्टेड डायरेक्ट फायर एंड मैन्यूवर इन मेनी मॉडर्न आर्मीज। जितनी भी मॉडर्न आर्मीज हैं, मेन बैटल टैंक उनका एक की कंपोनेंट है। मेन बैटल टैंक यानी MBT कभी कभार ही अकेले ऑपरेट करते हैं, क्योंकि जनरली ये ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू आर्मर्ड यूनिट, और कभी कभी MBT को सर्विलेंस और ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट का सपोर्ट भी मिलता है। अब देखिए, बात करते हैं थोड़ा अर्माटा टैंक टेक्नोलॉजी की। क्या है ये टेक्नोलॉजी जिसे रशिया ने ऑफर किया है इंडिया को? देखिये, अर्माटा टेक्नोलॉजी या अर्माटा यूनिवर्सल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म एक रशियन एडवांस्ड नेक्स्ट जनरेशन मॉड्यूलर हैवी मिलिट्री टैंक व्हीकल प्लेटफॉर्म है। ये इस वक्त पूरी दुनिया में काफी एडवांस माना जाता है और फिलहाल रशिया इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है अपने T-14 मेन बैटल टैंक के लिए और T-15 हैवी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के लिए। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी रशिया के पास ही है और अभी तक रशिया ने किसी और कंट्री के साथ इसको शेयर नहीं किया है और ना ही इससे बने हुए टैंक और हैवी फाइटिंग व्हीकल किसी भी कंट्री को सप्लाई किए हैं। अगर इंडिया इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है तो इंडिया विल बी फर्स्ट कंट्री टू यूज अर्माटा टेक्नोलॉजी फॉर मेन बैटल टैंक। रशिया का जो T-14 अर्माटा टैंक है, ये रशिया का एक न्यू जनरेशन मेन बैटल टैंक है। देखने में ही काफी एडवांस लगता है, आप देख सकते हैं। इसे पहली बार रशिया ने दुनिया के सामने पेश किया था मॉस्को विक्ट्री डे परेड में इन मई 2015। T-14 अर्माटा को फिलहाल वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मेन मेटल टैंक माना जाता है। इसमें लगी है 125 mm 2A8-1M स्मूथ बोर गन माउंटेड ऑन एन अनमैन्ड टुरेट। इसका जो टरेट है उसमें अराउंड 45 राउंड ऑफ एम्यूनिशन होता है, इंक्लूडिंग रेडी टू यूज राउंड। और देखिए, इसका जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली डिजिटल है और आप इसकी मेन गन को लेजर गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और देखिए, इस टैंक का जो क्रू होता है, जो क्रू मेंबर होते हैं, वो होते हैं एक रोबस्ट आर्मर्ड कैप्सूल में, यानी उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है। ऐसी भी न्यूज थी कि फिलहाल रशियन आर्मी T-14 अर्माटा टैंक को यूक्रेन वॉर में भी यूज कर रही है। इसकी कुछ वीडियो भी रिलीज की गई थी जिसमें T-14 अर्माटा टैंक यूक्रेन के बैटलफील्ड में दिखाई दिया था। इस टैंक की सबसे खास बात यह है कि इसे डिजाइन किया गया है ऑन ए मॉड्यूलर बैटल प्लेटफॉर्म, और ये जो प्लेटफॉर्म है इसको आप अदर आर्मर्ड व्हीकल्स को बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि लार्ज इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स या आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स। रशिया का T-14 टैंक -50 डिग्री टेम्परेचर में भी इजीली ऑपरेट कर सकता है और इस वजह से ये टैंक लद्दाख जैसे एरिया के लिए और भी खास हो जाता है। देखिये, जून 2021 में इंडियन आर्मी ने एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन फ्लोट किया था जिसके अंडर 1700 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी FRCV एक्वायर किए जाने थे इन ए फेज्ड मैनर अंडर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूट। और ऐसी उम्मीद है कि इंडियन आर्मी को ये फ्यूचर टैंक 2030 तक मिल पाएंगे। और इंडियन आर्मी इस फ्यूचर टैंक को इसलिए एक्वायर करना चाहती है क्योंकि फिलहाल इंडियन आर्मी यूज कर रही है एज मेन बैटल टैंक T-72, जिसे कभी कभी कहा जाता है अजय, और T-90, जिसका एक और नाम है भीष्मा टैंक। अब देखिए, जो T-72 टैंक है इंडिया का, जिसे फिलहाल इंडियन आर्मी यूज करती है एज मेन बैटल टैंक, ये सोवियत इरा का टैंक है। हालांकि अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसका प्रोडक्शन इंडिया में ही हुआ है, लेकिन ये प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1982 में, तो फिलहाल ये टैंक है 40 साल पुराना।
तो आप कह सकते हैं आज की डेट के अकॉर्डिंग या मॉडर्न वॉरफेयर के अकॉर्डिंग ये टैंक अब आउटडेटेड हो चुका है। और आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी वेपन को एक लेवल तक ही अपग्रेड किया जा सकता है। T-72 टैंक जो है इंडिया का वो इस लेवल पर आ चुका है कि अब उसको आगे अपग्रेड करना भी पॉसिबल नहीं है। फिलहाल इंडिया के पास है 2410 T-72 टैंक्स और देखिए आने वाले कुछ सालों में इनको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। इसीलिए इंडियन आर्मी तलाश कर रही है एक फ्यूचर टैंक की जो इनको रिप्लेस करे और साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हो। एक और टैंक है इंडिया के पास जो रशियन ओरिजिन का यह T-90 या भीष्मा टैंक, इसकी इंडियन आर्मी के पास है अराउंड 2000 यूनिट और देखिए इसका प्रोडक्शन भी इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1992 में। ये टैंक भी लगभग 30 साल पुराना हो चुका है और इस टैंक को भी लगातार अपग्रेड करना पड़ रहा है और आने वाले फ्यूचर में ये भी जल्दी रिप्लेस किया जाएगा। और स्पेशली अगर लद्दाख बॉर्डर पर LAC को कंसिडर करें तो इंडिया को जरूरत है एक फ्यूचर टैंक की जो माउंटेन रीजन में अच्छे से परफॉर्म कर सके। और हो सकता है कि रशिया का T-14 अर्माटा टैंक इंडिया का नया फ्यूचर टैंक हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।